हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? अच्छे, आशा कर रही तो अच्छे ही होंगे। तो मैं चलती हूँ देरी ना करते हुए। भगोने में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, 200 ग्राम लगभग, और ये 200 ग्राम प्याज है। उसको अच्छा गोल्डन होते ही फौरन मुझको निकाल लेना है। अच्छी तरीके से सारे ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं, तो ये सारे मुझको निकाल लेना है। प्याज, सारा प्याज अच्छा ये निकाल लेती हूँ। इस तरीके से सारे ये प्याज आ चुके हैं, और अब चलती हूँ इसमें साबुत मसाले डालने के लिए। वही साबुत मसाले आपके पास जितने भी हों उतने मेल के डाल सकते हैं। करीब करीब 5-6 मेल के ये साबुत मसाले हैं, जैसे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, तेज़पत्ता और जीरा, लौंग, दालचीनी लकड़ी, ये सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। जैसे खुशबू आने लगेगी मसाले में से, वैसे ही तुरंत मुझको डाल देना है मटन। तो ये गोल्डन मसाले वो हो रहे हैं मसाले खुशबूदार। ये देखिए कितने अच्छी खुशबू आने लगी है, पूरा रसोई महकने लगा है। तो वीडियो पूरी आप देखें, स्किप मत करें प्लीज़। जिससे भी जो मैं कह रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग पूरी वीडियो देखें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अदरक लहसुन भी ये थोड़ा सा हो जाएगा बहुत ही इजीली, और तुरंत ही ये मटन डाल दिया है। तो ये मटन की मैंने अखनी करी थी, अखनी वाला ये मटन है। अखनी में क्या करना होता है, जैसे मटन को हमने धो लिया है और उसमें थोड़े मसाले डाले जाएंगे, जैसे लहसुन, प्याज, जीरा, काली मिर्च और सौंफ, धनिया। इतने मसाले डाल के टेस्ट अनुसार नमक डाल करके 2 या 3 सीटी लगानी है, मटन हमारा अखनी वाला तैयार हो जाएगा। और अब मुझको डाल देना है सारा पानी। पानी जैसे ही बॉयल होने लगेगा वैसे ही जो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ये मैं डाल रही हूँ दही में मसाले। तो ये हमारा करीब करीब 200 ग्राम दही है। इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, इतने मसाले डाल रही हूँ। इसे मैरिनेट करना है, अच्छी तरीके से सारे मिक्स कर लेने हैं मसालों को। सारे मिक्स हो जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से, इसको बहुत ही इजीली ये मिक्स हो जाएंगे। इस अच्छी तरीके से इसे भी आगे को प्रोसेस में ही काम में लेना है। तो ये देखिए पानी में अच्छा उबाल आ चुका है। तो ये मैग्नेट दही ये सारा जो है इसमें डाल देती हूँ। बॉयल पानी हो रहा है हमारा भगोने के अंदर, मटन वगैरह सारा सामान मसाला सारे पड़े हुए हैं इसमें। तो ये मैंने डाल दिया है दही मैग्नेट करके। ये टेस्ट अनुसार और नमक डाला जाएगा, तो बारी बारी करके मुझको 2 बार डालना है नमक। एक बार तो मटन बॉईल करना है जब डालना है, और दोबारा जब मैंने ये पानी डाला बॉईल करने के लिए तब डालना है। जैसे बॉईल होने लगे पानी तो ये चावल डाल दो। तो ये चावल हमने डाल दिया है भर करके, और अब इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से चला देना है, ज़्यादा नहीं, खदर पदर करना है। बहुत ही हल्के हाथों से इसको चला करके और ढक के रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। और जब तक ये मसाले निकाल के रख लिया है, सौंफ, धनिया ये पिसा हुआ है दरदरा, और ये हमारा प्याज जो मैंने गोल्डन करा था फ्राई, वो ये अब डाल दिया है। और ये इसमें लहसुन, सॉरी, सौंफ, धनिया जो पिसा था वो भी इसमें डाल देना है। और इसको दम करने के लिए अब रख देती हूँ अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए दम हमारे अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब इसमें ये कलर डाला जाएगा।
फिर इसको ढक के रखती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा जायफल डालना है। अच्छा, जायफल डालने से इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल ही बिरयानी लगेगी होटल के जैसी। तो ये मैंने ढक के रख दिया है। अच्छी, ये देखिए कितनी होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी तैयार हो गई है, मटन बिरयानी। तो वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलती है।